एक मिनट। मेरे फोन का चार्जर वहां पे पड़ा हॉल में, लेके आओ। सर शिवा सर के जूते देने। मैंने जो बोला पहले वो करो, इसे वहां पे रखो, मेरा चार्जर लेके आओ। ठीक है। सर आपके जूते, जूते ट्रे में लेकर आए। सर अनिका मैम ने बोला था। जाओ यहां से। मैं फिर से चीजें इमेजिन करने लगा हूं। तेज अपना बदला जरूर लेगा। क्या सच में मैं पागल हो रहा हूं? इसका ये मतलब है कि मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूं। शिवा क्या हो गया? नहीं कुछ, कुछ नहीं हुआ। राख? कुछ भी यार, राख दिख रही है। शिवा ये राख है तो राख ही दिखेगी ना। थैंक गॉड मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड मैं ठीक हूँ। मुझे लगा तुझे नहीं दिखेगी मुझे। रिलैक्स, क्या बोल रहा है? तो कुछ पूछने आया था। हाँ वो मुझे वो गुप्ता वाली फाइल चाहिए थी। तो चल मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ तुझे। चल मैं ला। रुद्र कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ। दिवाली की शॉपिंग करने जाना है, भूल गए? बाद में कर लेंगे, अभी मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है? यार तुम्हारा हर वक्त इंटरोगेशन करना जरूरी है क्या? थोड़ी स्पेस दो मुझे लाइफ। मेरा मूड अच्छा है, स्पॉइल मत करो। क्या हो गया, सब कुछ ठीक है? पता नहीं पापी, रुद्र आजकल बहुत अजीब बिहेव करता है। ये तीनों भाई ना एक जैसे हैं, पल में तोला पल में माशा। तो फिक्र मत कर, अपने आप ठीक हो जाएगा। भी मेरे जूते में राख देखी, दैट मींस मैं इमेजिन नहीं कर रहा, मेरे जूते में सच में राख थी।
सवाल ये उठता है कि मेरे जूते में राख कोई क्यों डालेगा, ताकि मुझे लगे कि मैं सच में पागल हो रहा हूं। लेकिन ये कौन हो सकता है?